बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत जॉलम बिजनेस कर रही है, लविंग इट नाउ यू आर हियर फॉर पल्टन. क्या एक्सपेक्ट कर रही है और क्या कहेंगे सिद्धांत के बारे में? एज एन एक्टर क्या ग्रोथ किया है? तो यू यू स्टिल टू व्हाट द फ्यूचर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं अपने मेरा स्त्री यहाँ पर तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. उनकी फिल्म रिलीज हो रही है कल, तो आई जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बहुत बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क एंड आई वुड से नो एंड आई वुड से कि इनकी सबसे आई थिंक हिज बेस्ट परफॉर्मेंस दैट आई रियली लव्ड वाज अगली में, जो ऑफकोर्स अनुराग कश्यप जी की फिल्म है. And मैं बहुत excited हूँ to watch him in this film. Thank you. Not the sister, as an individual actor. The visibility of your work, ये कितने proud की बात है. Not as a sister, but as an individual actor. बहुत बहुत ही मेहनती है मेरी बहन. You know, ऐसे ऐसे roles कर लेती है, from स्त्री to ABCD to बागी to हैदर, और adapt कर लेती है और character के अंदर you know बहुत easily घुस जाती है और बाहर भी निकल जाती है. अभी गाड़ी में बात कर रही थी कि साइना के लिए क्या क्या प्रेपरेशन करने वाली है. तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड आई एम सुपर प्राउड ब्रदर. अभी स्त्री ने देखो क्या कमाल कर दिया बॉक्स ऑफिस. कि मैं मेरे दिमाग में तो वही ड्राइव होती है कि मैं और काम करूँ, अलग अलग किरदार चूज करूँ और मेहनत करते रहूँ बस. और जितना और मेहनत करूंगा उतना ही फल मिलेगा. तो आई गेस मेहनत 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 करो. आप दोनों में किस तरह की बात होती है, किसी के काम को जाने वाली होती है और फिल्म के बारे में क्या बातचीत होती रहती है? लेकिन हम और भी दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं. जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है नॉर्मल वैसे ही है. फिल्मों की बात बहुत ज़्यादा बाहर भी हो जाती है, तो कभी हम जब भी फिल्म रिलीज़ होती है तो एक दूसरे से अलग चीज़ों की भी बातें करते हैं बहुत, ताकि माइंड ऑफ हो जाए हमारा. यू नो घर पे हमारा डॉग है, हम यू नो पेरेंट्स हैं, हम सब मिलजुल कर. तो फिर फिल्मों की बात होती है फिर सब भागने लग जाते हैं यहाँ पर, यू नो क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया. बट हाँ बातें तो करते हैं. आई थिंक दैट इतने सिंसियर, इतने हार्डवर्किंग है और वो 110% डालते हैं. जब मैं घर पे देखती हूँ, जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं या फिर तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका 110% होता है. और एंड आई एम श्योर दैट ही विल ओनली कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर. जैसे मुझे भी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर. जी बहुत ही बढ़िया डिसीजन है और बहुत खुश है हम सब लोग, बिकॉज प्यार की जीत हुई है. बिल्कुल, आज के बहुत ही हैप्पी इवेंट पे जो डिसीजन हुआ है उसके लिए मैंने ये टी शर्ट भी पहना है. लव इज़ इनफ, क्योंकि वही मायने रखता है, प्यार मायने रखता है. एंड मैं बहुत खुश हूँ आज के फैसले से. थैंक यू सो मच. थैंक यू.